हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी दोस्त चंचल और आप सभी देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चंचल ब्लॉग्स मेरठ। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और अब मेरा घर का सारा काम फिनिश हो चुका है और मैं इस वक्त खाली हूँ, जो कि मैं वीडियो बना रही हूँ। और आज आप सबके लिए एक सरप्राइज पार्टी है, तो मैं अभी इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि ये सरप्राइज़ है। तो ये मैं आप बाद में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में क्या सरप्राइज़ है। और आप सभी को पार्टी में इनवाइट है, आप सभी आ सकते हैं। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए। और आज जो मेरी वीडियो है वो मेरी फेशियल पे बनने वाली है, क्योंकि मुझे 2-3 महीने हो चुके हैं जो कि मैंने फेस पर कुछ नहीं किया है। और आज मौका भी है, दस्तूर भी है, तो फ़ायदा क्यों ना उठा दिया जाए। इसलिए आज पार्टी है तो मैं इसका फ़ायदा पूरा उठाना चाहूँगी, क्योंकि आज मैं करने वाली हूँ स्क्रब, वो भी सिर्फ एक चम्मच चीनी से और एक आपकी कॉफ़ी से, क्योंकि ये सब किचन में रहती है, ठीक है। और इसके बाद मैं फेस पैक का इस्तेमाल करूँगी इनसे। ये है चंदन पाउडर, देख सकते हो, और ये है गुलाब जल। और इसी के साथ में मैं इनके साथ मिलाऊंगी, ये दो चीज़ और हैं, ये है एलोवेरा जेल, ठीक है, और ये है कस्तूरी हल्दी। क्योंकि हम किचन की हल्दी लेते हैं तो उसमें पीला रंग छोड़ देता है चेहरे पे, जो कि अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये कस्तूरी हल्दी है। और ये कस्तूरी हल्दी मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, काफ़ी अच्छी है और ये रंग भी नहीं छोड़ती है। अगर थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाए तो ये रंग नहीं छोड़ती है बिल्कुल भी, ये सबसे बेस्ट है चेहरे के लिए। आप सब ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ये इन सब चीज़ों से मैं करने वाली हूँ आज स्क्रब अपने फेस को चकाचक ग्लो, क्योंकि मुझे पार्टी में जाना है, ठीक है। और आप सभी को भी तैयार रहिएगा सरप्राइज पार्टी के लिए। चलिए करते हैं हम तैयारी स्क्रब की। ये जिन और ये मैं पहले कॉफी लूँगी, ठीक है, तो उसको हम पहले फाड़ते हैं। तो ये मैंने चीनी और कॉफ़ी ले ली है। आप देख सकते हैं मैंने चीनी और कॉफ़ी दोनों को मिला दी है, चलो, ठीक है। और उसको फिर मैं अच्छी तरह से मैश कर लूँगी इसको पहले थोड़ी देर। इसमें आप कुछ भी डाल सकते हो, कच्चा दूध डाल सकते हो, टमाटर का प्योरी डाल सकते हो, या फिर पानी, किसी चीज़ का भी इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हो, एलोवेरा जेल के इस्तेमाल। लेकिन मैं इसमें करने वाली हूँ एलोवेरा जेल का इस्तेमाल, क्योंकि मैं एक चम्मच लूंगी। ज़्यादा नहीं लूंगी, थोड़ा लूंगी। ये आप देख सकते हो मैंने कितना लिया, थोड़ा सा लिया, क्योंकि तो चीनी मेल्ट करनी है तो चीनी मेल्ट हो जाएगी इसमें, ठीक है। ये आप देख सकते हो मैंने एलोवेरा जेल ले लिया और इसको अच्छी तरह मैश कर लिया, क्योंकि चीनी को हमें घुलना है बस, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। ये आप देख सकते हो ये मैंने घोल लिया है। और इसी से मैं करने वाली हूँ स्क्रब, आप देख सकते हो। और ये मेरी घुल चुकी है और आप देख सकते हैं मैंने फेस पर कुछ भी नहीं लगाया हुआ है, क्योंकि नहाने के बाद मैंने ऐसे चेहरा छोड़ रखा है, क्योंकि मुझे स्क्रब करना था, तो इसलिए मैंने देख सकते हो। कभी आप बाद में कहो कि कुछ लगा रखा है, मैंने कुछ नहीं लगा रखा, देख सकते हो, ठीक है। और ये मैं शुरुआत करने जा रही हूँ स्क्रब से, ठीक है। और इसको मैं पहले हल्का हल्का लगाऊंगी, ये देखिए, क्योंकि ये मेरी चीनी घुल चुकी है, ठीक है, हल्का सा पेस्ट सा बन चुका है ये, क्योंकि मोटे मोटे दाने नहीं हैं। अगर दाने हो गए, आप देख सकते हो मैंने ये हल्का हल्का लगा दिया है, क्योंकि कॉफ़ी आइस के आसपास भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे जो डार्क सर्कल है वो जो हल्के हो जाए, क्योंकि एक बार में नहीं होते हैं, हमें हफ्ते में 2-3 बार लगाएंगे तो साफ हो जाएगा नीचे के डार्क सर्कल, यहाँ पर कोई नुकसान नहीं है कॉफ़ी से।
लेकिन हाँ मोटे मोटे दाने चीनी का नहीं लगा सकते क्योंकि ये छिल भी सकता है। और फिर हम उसके बाद हल्की सी चीनी लेंगे, ये देख सकते हो ये हल्की सी चीनी है कॉफ़ी में घुली हुई, और हम उसको फेस पर इस तरह से हल्के हाथ से रफ करेंगे। ये देखिए बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से आपको रफ करना है जो कि छिले नहीं, और नहीं तो आप साबुत चीनी की बजाय आप किसी भी चीनी भी ले सकते हैं। अगर आपको फेस पर ज़्यादा दबा के स्क्रब करना है तो आप चीनी को पीस लीजिए मिक्सी में, तो आप जब भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने ये साबुत लिया तो मैं हल्के हल्के हाथ से इसको अच्छी तरह से स्क्रब कर दूँगी। तो देखिए ये चीनी थोड़ी सी बची है, मैं उसको सारी स्क्रब के तौर पर इस्तेमाल कर लूँगी, क्योंकि अगर हम बाज़ार से स्क्रब लेके आते हैं ट्यूब तो उसमें भी थोड़े थोड़े दाने रहते हैं, तो इसलिए हम ये मोटी मोटी चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हल्के हल्के दाने से रगड़ सकें। और ये आप देख सकते हो मैंने स्क्रब कर लिया है, और कलर देखिए कॉफ़ी को किस तरह से हो गया है। ठीक है, जैसे चीनी और हम कॉफ़ी मिलाते हैं उनको फैटते हुए हो जाता है, इसी तरह देखो किस तरह से हो गया, क्योंकि हम चेहरे की जितनी भी गंदगी है सब बाहर आ चुकी है। ठीक है, अब हम कम से कम 10-15 मिनट तक हमें स्क्रब करना है जब तक ये गंदगी बाहर ना आ जाए। ये देख सकते हो किस तरह से कलर हो चुका है कॉफी चीनी का। ठीक है, और 10-15 मिनट के बाद हम इसे धो लेंगे। ठीक है, क्योंकि तो मेरा स्क्रब हो चुका है, देखिए 10-15 मिनट हो चुके हैं और हमें इसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए मैं इसको धो लेती हूँ, तो आप देख सकते हो मैं धो चुकी हूँ और इसको कॉटन के कपड़े से पूछ रही हूँ, ज़्यादा दबा के नहीं, हल्के हल्के उससे पूछना। ठीक है, ये देखिए 10-15 मिनट में फर्क आपको नज़र आ जाएगा, और आप इसको हफ्ते में 2 या 3 बार कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर महीने कोई भी पार्टी पार्लर में नहीं जा पाता है, क्योंकि किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि हर महीने कोई पार्लर में जाए या फिर इतने पैसे खर्च करे, तो आप घर के छोटे मोटे सामानों से आप स्क्रब कर सकते हैं। ये देखिए ठीक है, मैंने कर लिया है, ये आप देख सकते हो, और अब मैं लगाऊंगी फेस पर। ये ले लिया मैंने बाउल, और इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच नमक, और क्योंकि मैं सिर्फ फेस के लिए लगा रही हूँ तो ये मेरे लिए काफ़ी होगा। ठीक है, ये आप देख सकते हो कि मैंने 1 चम्मच चंदन पाउडर ले लिया, और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा एलोवेरा जेल, क्योंकि मैं एलोवेरा जेल के इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है और मेरे चेहरे को सूट भी करता है। ये देखिए थोड़ा सा मैंने ले लिया एलोवेरा जेल, आप देख सकते हैं ये, और इसको मैं मॉइस्चराइज के रूप में भी इस्तेमाल करती हूँ रात को। ठीक है, और अब इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी कस्तूरी हल्दी, क्योंकि हल्दी काफ़ी फायदे होती है चेहरे के लिए, और इसको दूध में घोल के भी पिया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये मदद करता है ग्लो को लाने के लिए हल्दी, और इसका दूध भी पी सकते हैं हल्दी का, क्योंकि अंदर से अगर ग्लो आएगा तो ऊपर भी हमें ग्लो दिखेगा। ये देखिए तीनों चीज़ मैंने ले ली है, अब इसमें मिलाऊंगी मैं गुलाब जल, और इसको अच्छी तरह से मैश करूंगी। ये आप देख सकते हैं एक थिक पेस्ट बन चुका है, गाढ़ा बिल्कुल, ये देखिए। ठीक है, क्योंकि मुझे इतना गाढ़ा ही चाहिए, क्योंकि सिर्फ मुझे फेस पर लगाना। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो मैं, क्योंकि अच्छी तरह से मैंने चेहरे को पोंछ लिया था साफ, ठीक है, पानी को सुखा लिया था, तो उसके बाद मैं ये फेस पैक लगा रही हूँ, क्योंकि आपको गले में या फिर फेस पैक जितना चाहिए आप उतना घोल सकते हो, मुझे सिर्फ फेस के लिए चाहिए, तो ये मैं
फेस पे लगा रही हूँ, आप देख सकते हो। और ये आप देख सकते हैं थोड़ा बच गया है, जो कि मेरे नेक में भी लग जाएगा, ये देखिए, ठीक है, कि मेरे यहाँ पे कवर हो जाएगा, ये देख सकते हो, ये मेरा फेस पे और नेक पे कवर हो चुका है पूरा, ये देखिए। आप कितना भी बोल सकते हैं, ठीक है, बैक नेक पे या नेक पे, आप हाथों पे, ठीक है, कितना मर्जी आप बोल सकते हैं, ये देखिए। इसका चीनी और कॉफ़ी का इस्तेमाल हम हाथ और पैरों के लिए भी कर सकते हैं, थोड़ी सी चीनी मिलाकर और कॉफ़ी, ठीक है, और उसमें हम कुछ भी मिला सकते हैं, जैसे गुलाब जल वगैरह कुछ भी, तो हम उससे भी हाथ पैरों को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। आपको मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बना कर दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे अभी फ़िलहाल पार्टी में जाना तैयारी करनी है, ठीक है, और तो मैं उसके लिए सबसे पहले अपने फेस से शुरुआत कर रही हूँ, ठीक है, उसके बाद मुझे और भी काम करने हैं, डेकोरेशन वगैरह करनी है, ठीक है, डेकोरेशन वगैरह है और सब कुछ का काम, तो मैं आपको नेक्स्ट, आप ये मत समझिएगा कि मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ही ये सब कह रही हूँ, नहीं, कि मैं ये सब घर में इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है, मैं शादी से पहले भी घर में चीज़ें इस्तेमाल करती थी और शादी के बाद भी किचन में रखे हुए सामान का इस्तेमाल करती थी, बाहर का मैं कम यूज़ करती हूँ, मार्केट से बने हुए स्क्रब वगैरह मैं सब कम यूज़ करती हूँ। और जो सभी लोग मेरे इस YouTube चैनल पर नए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे बहुत बहुत सपोर्ट करें, ठीक है, और आप सभी लोग को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।